अभी सब्सक्राइब कीजिए सीजी न्यूज़। सीजी न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं कैटरीना पासी। जब रात में लुटेरे बनकर निकले एसपी, फिर हुआ ये। उत्तर प्रदेश में अपराध नए नए रूप से सामने आते हैं, ऐसे में पुलिस भी अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते रहते हैं। कीमपुर खीर में एक ऐसे ही वाक्य सामने आया है, जब जिले के एसपी मोटरसाइकिल पर लुटेरा बनकर निकल पड़े। तकीमपुर जिले में लूट का मैसेज वायरलेस पर आता है, जिसमें बताया जाता है कि दो बदमाश अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाकर घूम रहे हैं, जिन्होंने एक महिला से सोने की चैन लूटी है, जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो जाती है। हेलमेट और मुंह पर मास्क लगाकर एसपी जितेंद्र कुमार अपने प्यारों के साथ मोटरसाइकिल पर निकल पड़ते हैं। मेन रोड पर पहुंचते ही वहां चेकिंग कर रहे एक दरोगा ने उनकी बाइक रुकवाने को इशारा किया। एसपी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। दरोगा चीखते हुए पीछे दौड़ा और बाइक के आगे जाकर खड़ा हो गया। हेलमेट लगाए एसपी ने बाइक दाईं तरफ मोड़ दी और भागने का प्रयास किया। दरोगा ने अगले पहिए पे डंडा फंसाकर गाड़ी जाम कर दिया, एसपी को धर लिया। जब एसपी जितेंद्र ने हेलमेट उतारा तो अपने कप्तान को देखा दरोगा हक्का बक्का रह गया। एसपी अपने साथियों के इस काम से खुश हो गए, उन्होंने तुरंत दरोगा को इनाम दिए जाने की घोषणा कर दी। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शहर की पुलिस एसपी जितेंद्र ने बताया कि पुलिस गश्त व्यवस्था ठीक से कर रही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए मैंने फर्जी लूट की सूचना का मैसेज सेट से खुद ही जारी किया था। इस दौरान एक दरोगा ने सजगता दिखाते हुए मुझे पकड़ लिया। इसके अलावा एक जगह और हमें रोकने की कोशिश की गई थी, एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस को बताया। सीजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, मैं कैटरीना पासी। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।